जय हिंद। आज मैं आपको बताऊंगा कि सरकार ने 30 जून तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का डेट रखे थे। बहुत सारे व्यक्ति जो नहीं जुड़े हुए हैं अपना 1 जुलाई से सबका पैन कार्ड इनएक्टिव कर दिया है। आप उससे कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तो आपका भी इनएक्टिव हुआ है कि नहीं वो चेक आप कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर को ढूंढ लेना है, क्योंकि सिस्टम ऐप है सबके मोबाइल में होता है। तो देखिए क्रोम ब्राउजर रहते इस पर क्लिक करके ओपन कर देते हैं, उसके बाद में आपका ये सर्च वाला पेज आता है तो ठीक है, नहीं तो ऊपर 3 डॉट है उस पर क्लिक करिएगा। उसके बाद न्यू टैब लिखा हुआ उस पर क्लिक करिएगा। किसी का अपडेट नहीं रहेगा तो यहाँ पर अपडेट करने का क्रोम लिखा हुआ आएगा, उसको अपडेट कर लीजिएगा। उसके बाद में आपका ये वाला पेज आ जाएगा, तो सर्च बार पे आपको क्लिक कर देना है। ऊपर सर्च बार में आपको लिखना है इनकम टैक्स। देखिए ऊपर भी इनकम टैक्स लिखा हुआ आ गया, तो उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में नेक्स्ट पेज खुलेगा, तो इनकम टैक्स के होम पेज पे आपको जाना है। तो फर्स्ट वाला नहीं, सेकेंड वाला जो है www.incometax.gov.in, ये वेबसाइट आपको देख लेना है। नीचे लिखा रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होम लिखा हुआ है, तो इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट पेज खुला, तो यहाँ पे आपको मोबाइल से मैं बता रहा हूँ, इसको आप अभी डेस्कटॉप साइड में भी कर सकते हैं। पापा आते ही सुबह क्रॉस के निशान पर क्लिक करके हटा देना है। उसके बाद में आपका पैन कार्ड इनएक्टिव है कि एक्टिव है चेक करने के लिए नीचे में वेरीफाई योर पैन लिखा हुआ है, उस पर क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट पेज ये खुल गया, तो इसमें आपको अपना पैन नंबर लिखना है, आपका पूरा नाम क्या है वो इस पर लिखना है। उसके बाद इसमें डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है, तो कैसे कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। तो इस कैलेंडर के निशान पर क्लिक करिएगा, उसके बाद में ईयर के निशान पर आप क्लिक करिएगा। उसके बाद इसमें सारा ईयर आ जाता है, अगर इसमें होगा तो ठीक है, नहीं तो यहाँ सिंबल के निशान पर क्लिक करिएगा तो उससे पीछे वाला ईयर आएगा, तो इसमें भी आपका होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर इस पर क्लिक करिएगा तो फिर पीछे वाला और आ जाएगा। तो जो आपका ईयर होगा वह सिलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद में जो महीना होगा मंथ होगा वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद इसमें तारीख आएगा, जो तारीख आपका हुआ वो तारीख सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ आ चुका है, उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख देना है, ये लिखिएगा। जिस पर आपका OTP आएगा, OTP आपको डालना पड़ता है। तो देखिए मैं इसमें मोबाइल नंबर लिख देता हूँ। अब कुछ लिखने पर आते हैं, यहाँ कंटिन्यू जो लिखा हुआ है उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में जो मोबाइल नंबर आप दिया उसका लास्ट डिजिट फर्स्ट डिजिट भी दिखा दिया, उस पर एक OTP आएगा, OTP इस बॉक्स में लिख देना है। आपको OTP नहीं आता तो नीचे रिसेंट OTP लिखा है उस पर क्लिक करके फिर से अपना OTP मंगा सकते हैं। इस बॉक्स में आप क्या OTP डालें वो देखना चाहते हैं तो यहाँ के निशान पर क्लिक करिएगा और ये OTP आप अपना देख भी सकते हैं। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आइएगा, देखिए यहाँ पर वैलिडेट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो देखिए लोडिंग होगा। नेक्स्ट पेज खिलेगा तो यहाँ पर लिखा है पैन इज एक्टिव एंड डिटेल आर एस पर पैन, मतलब आपका पैन कार्ड एक्टिवेट है, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका भी पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं होगा तो मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, इस प्रकार का आपको लिखेगा पैन इज एक्टिव बट डिटेल आर नॉट एस पर पैन, इस तरीके का लिखेगा। तो आप अपने पैन कार्ड को अभी भी 1000 का फीस दे करके लिंक कर सकते हैं। लिंक कैसे करना है उसके लिए मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, तो उसका मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा, वो देख करके आप पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। आपको घाटा भी यही हो रहा है कि पहले पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करते थे तो वो जल्दी ही हो जाता था, 72 घंटे के अंदर हो जाता था आपका, लेकिन अब 30 दिन का समय लगेगा। जब आप पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर लीजिएगा तो उसका स्टेटस आप चेक करके देखिएगा कि मेरा पैन कार्ड आधार कार्ड के साथ लिंक हुआ कि नहीं, तो उसको आप चेक पहले अगर करते तो देख 3 दिन में हो जाता था, लेकिन आप चेक कर करके देखते रहिएगा वो 30 दिन में ही होता है। चेक करने का भी वीडियो मैंने बनाया, उसका भी आई बटन पर मैं लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो आप 1000 का चालान पे करके आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं।
तो मेरा ये जानकारी अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कर दीजिएगा।